वेलकम टू एक्सटर्नल। मेरा नाम है सुमित। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए एक्सटर्नल चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोबाइल से या कैमरे से आपका वीडियो या फिर ऑडियो या फिर आपका जो टॉपिक है, आप कौन से कॉन्टेंट पर काम कर रहे हैं या फिर यूट्यूबर्स जो कौन से कॉन्टेंट पर अपने यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं उसके ऊपर हिसाब करके कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद कि आप कौन सा मोबाइल या फिर कैमरा आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि कैमरा होता है कि एक पावरफुल चीज़ हो सिर्फ वीडियो और ऑडियो को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि यूट्यूब में वीडियो ही कैप्चर होता है, मैं वीडियो के ऊपर ही बातें करूँगा। और मोबाइल जो बनाया गया है एक कैजुअली वीडियो लेने के लिए। आपके पास अगर एक महंगा मोबाइल हो, एक आईफोन 10 जैसा, जैसे कि 1,00,000 प्राइस का हो या फिर मिनिमम 50,000 प्राइस का हो, उससे आप जो वीडियो बनाते हैं वो करीब करीब DSLR जैसा दिखता है और भी खूबसूरत दिखता है वीडियो। पर मैं कहूँगा उसके हिसाब से आप एक कैमरा को कैमरे के तौर पर यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि आपका मोबाइल मोबाइल के तरह तो काम कर लेता है पर उसका जूम वगैरह उतना इफेक्ट वगैरह अच्छा नहीं रहता। और सेटिंग जो मैनुअली करने को मिलता है DSLR पे या फिर माइक्रोलेंस मिररलेस फोटोग्राफी में, वहाँ पर मिल जाता है स्पेशल फीचर कि आप एक कैमरे में मोबाइल कैमरे में जो नहीं कर सकते वो कैमरे में कर सकते हो। एक पॉइंट शूट कैमरा भी एडवांस होता है एक मोबाइल कैमरे से, तो आपको पता ही होगा कि क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ऑप्टिकल जूम रहता है एक कैमरे में। जितना भी कम प्राइस का कैमरा हो ऑप्टिकल जूम तो रहता ही है, पर मोबाइल पे देखो मोबाइल का कैमरा है एक पिक जूम। जैसे कि ऑप्टिकल नहीं कर पाते हो तो नया जो मोबाइल निकलता आ रहा है वो मैक्सिमम 10x तक ही जूम कर पाएगा, पर आपका वो लेंस नहीं चेंज हो सकता। और हाँ, अगले आप लेंस लगा के कर सकते हो पर वो भी बेकार सा हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बुरा हो जाएगा। आप अगर सही से एक्सपीरियंस करना चाहते हो या फिर आपका वीडियो अच्छी तरीके से बनना चाहता है तो ज़रूर आपको पकड़ना पड़ेगा एक कैमरा और उसे शूट करना पड़ेगा। मैं रेफर करता हूँ किसी किसी लोग जो वीडियो बनाता है कंटेंट बनाता है, उसके लिए जो मोबाइल कैमरा है वही एनफ है। और अगर जो छोटा जो डाई है उसको अगर कैप्चर करना हो तो जैसे कि पेंसिल के नीब के ऊपर जो शीश होता है उसके ऊपर कोई मूर्ति बनाना हो, तो इस तरीके का डाई फीचर एकमात्र मोबाइल से भी कैप्चर हो सकता है, क्योंकि मोबाइल जो एपर्चर फीचर देता है बहुत ही अच्छा। मोबाइल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके का 12,000-13,000-15,000 का मोबाइल ही आपका काम कर देगा और आपको शायद महंगा कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और डाई के लिए मैं कहूँगा आप अगर छोटे से छोटे चीज़ अगर करना चाहते हैं अच्छे से तो ज़रूर एक DSLR या फिर वीडियो कैमरा लो, उसके लिए बेहतर रहेगा। और आप अगर करना चाहते हो फूड फोटोग्राफी या फिर वीडियो फोटोग्राफी जो ज़रूरत होता है वीडियो में, उसके लिए फूड के लिए स्पेशली कैमरा तो ज़रूरत होता ही है। और आपको पता चलेगा कि मोबाइल जो कैमरा है वो बहुत महंगा आ जाता है एक कैमरे के बराबर प्राइस में, कुछ हल्का सा फीचर दे सके और जूम लेंस भी नहीं रहता वहाँ पर। आप अगर फोटोग्राफी करना चाहते हो या फिर वीडियोग्राफी ट्रैवल एंड टूर, वहाँ पर ज़रूरत होता है जूम और मैक्सिमम वाइड लेंस जो कि आपको मिल सकता है सिर्फ अपने कैमरे पे। ज़्यादातर वाइड लेंस नहीं मिलता है मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल का जो पावर कैपेसिटी इनबिल्ट प्रोसेस है और इनबिल्ट सेंसर है वो काफ़ी हद तक लो पावर्ड है, तो आपको एक कैमरा ही ज़रूरत हो सकता है इस तरीके का फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी में। आप अगर करना चाहते हो नॉर्मल सा एक यूट्यूब वीडियो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, एक इंफॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो जो आपको टेक्निकल नॉलेज दे सके या फिर टेक्निकल आइडियाज़ प्रोवाइड कर सके या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसके ऊपर डिपेंड करके कोई भी सॉल्यूशन दे सके, इस तरीके का वीडियो करना चाहते हो तो ज़रूर आपके मोबाइल और कैमरा दोनों पे ही आ जाएगा। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि कैमरे से आप अगर शुरू करना चाहते हो तो ज़रूर करो, पर मैं कहूँगा आपके पास अगर मोबाइल हो मोबाइल से भी शुरू करो, जैसे कि और भी यूट्यूबर सजेस्ट करते हैं। पर आपका कॉन्टेंट अगर सही रहे सक्सेसफुल रहे तो ज़रूर आपका वीडियो लॉन्च कर जाएगा और पहुँच जाएगा सारे जगह पर। आप अगर चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले तो ज़रूर अच्छी तरीके से सब कुछ अच्छी तरीके से पेश करना आपके जिम्मेदारी है, और आप अगर जिम्मेदारी लेते हो उसे निभाना भी आपके और एक जिम्मेदारी है। तो
मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी टेक वगैरह करते हो तो आपके पास जो मोबाइल है इस छोटे से मोबाइल के कैमरे से तो नहीं चलेगा, आपको ज़रूर एक मिनिमम का एक स्मार्टफोन तो चाहिए जिसमें फुल HD कैमरा हो, और शायद आपको और भी अच्छे कैमरे जो 4K कैमरा 4K डिटेल्स ला सके अच्छी तरीके से, वो भी चाहिए। और आप अगर करना चाहते हो कोई ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट, जैसे कि मैं कई सारा वीडियो में कर चुका हूँ, और कई सारा लाइट्स भी ज़रूरत होता है उसके लिए, मेरे पास उतना सारा लाइट्स नहीं है, मैं ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट लाना बंद कर दिया है, और आगे चल के मैं करूँगा तो लाइट्स भी मुझे ज़रूरत है, और उसे मैं अगर लाऊंगा नए लाइट्स को उसके बाद मैं प्रोसेस कर पाऊंगा ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट आप लोगों के लिए। तो मैं ग्रीन स्क्रीन के लिए स्पेशली रेफर करता हूँ कैमरे को, कैमरे का जो डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से पकड़ में आता है, और आपका जो फुल डिटेल्स है आपको या फिर ग्रीन स्क्रीन का मेन ऑब्जेक्ट ग्रीन स्क्रीन के सामने जो रहेगा आप या फिर और दूसरा चीज़ उसको अगर ठीक तरीके से कैप्चर करना हो तो ज़रूर आपके पास लाइट और कैमरा तो ज़रूर होना चाहिए, कोई मोबाइल से नहीं होगा और पॉइंट शूट से भी नहीं होगा। पॉइंट शूट और एडवांस पॉइंट शूट तो एक ही तरीके का कैमरा है, पॉइंट शूट ही है, पर मैं कहूँगा कि DSLR लो, DSLR का लेंस वगैरह अच्छी तरीके से चूज़ करो तो उससे आपका बहुत ही अच्छे से हेल्प मिल जाएगा, और आपका वीडियो भी कम्प्लीटली आपके सोचने पर ही मजबूत बन सकेगा और बहुत ही पोलाइट वीडियो बन सकेगा और इंटरेस्टिंग वीडियो तो बन ही जाएगा, क्योंकि जो आप अगर एक वीडियो क्लियरली एक इमेज के साथ डालते हो YouTube पर तो बहुत सारे व्यूज़ भी आ जाते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ और सभी लोग कोशिश करते हैं, तो मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अगर कंजूसी मत करो, कोई भी चीज़ कंजूसी से नहीं बनता, आप जितना कोशिश करोगे कोशिश भी कंजूसी को हार देता है, क्योंकि कोशिश ऐसे होता है कि कभी कोई हारता नहीं कोशिश के बाद, और कोशिश अगर ठीक तरीके से हो तो कोई बात नहीं, आपको फिर से सक्सेस तो मिलना ही है और आगे भी चल के मिलने वाला है। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, आपको शायद पता चल गया है कि कौन सा चीज़ आपके लिए सही होगा और कौन सा चीज़ आपके लिए नहीं, और आपके कॉन्टेंट के लिए कैमरा ही ज़रूरत है आप अगर प्रोफेशनली कोई वीडियो बना रहे हो तो, और मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश अगर करोगे तो मोबाइल का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आपको पता ही है कैसा है, और कंपैरिजन में अगर लेंस की बात करें तो लेंस को तो छोड़ दो, आप अगर सेंसर की बात करें तो मोबाइल का सेंसर बहुत छोटा होता है, उसके लिए उसका कैपेसिटी बहुत ही कम होता है, और आप अगर करना चाहते हो उस कैपेसिटी में हाई रेंज वाला फोटोग्राफी जैसे कि DSLR में हो तो वो नहीं हो पाएगा, साफ साफ मैं कह देता हूँ वो नहीं हो पाएगा। आप अगर फिर भी करना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका कंटेंट अगर 100% या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो तो ज़रूर वो काम कर जाएगा आपका बेसिक मोबाइल का फोटोग्राफी से ही। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एक्सटेंडिकल, एंड आई विल मीट Again in my next video, and bye bye.